अच्छा एक बात पूछे। कहिए ना, मेरा मतलब पूछिए। हम आपको ठीक से समझ नहीं पाए अब तक। आप हमारे लिए पहले की जैसी हैं। हमें आपके बारे में कुछ जानना है। आप जैसी गांव वाली सीधी साधी लड़की शहर आकर एक माफिया की सरगना कैसे बन गई? क्या आप सच में हमारे बारे में जानना चाहते हैं? हम एक सीधी साधी, एक नरम दिल की, साफ दिल की लड़की थे, पर जब ईश्वर जी हमको गांव से शहर उठाकर ले आए, तब उन्होंने हमारी जिंदगी जीने का हमें एक नया तरीका सिखाया, नई नई चीजें बताई, नई नई चीजें सिखाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बात पूछें आपसे, आप सच में हमारे बारे में जानना चाहते थे कि आप हमारा ध्यान इस चोट की तरफ से हटाना चाहते थे? ये मुमकिन नहीं कि कांच के टुकड़े पर पांव पड़े और ये टुकड़ा इस तरह पांव में इतने अंदर तक घुस जाए। कहीं आपने इस कांच के टुकड़े को अपने पांव में तो नहीं घुसा लिया? सर आज घर नहीं जाना है क्या? भाई चौधरी इब तो काम कर रहा है टाइम से। तो सर एक काम करते, पहले डिनर कर लेते हैं। एक मिनट, वैसे भी बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सही बात है चौधरी। ये लीजिए सर, खाइए, दिमाग एकदम तेज चलेगा। बोल भाई के हाल खबर से, एक सांस में मरने सब कुछ बता दे। सर जी, शालू पांडे और वो आदमी दिल्ली के बाहर ईश्वर पांडे के पुराने वाले बंगले में हैं। एक और पक्की खबर है जी, पांडे गैंग की कट्टर दुश्मन अलाहाबाद गैंग के लोगों की नजर है शालू पांडे पे और उन्होंने उसे वहीं खत्म करने का प्लान बनाया है। जे बात से भाई चौधरी। हाँ सर। मने एक बात बता, तने कभी सांप और नेवले की लड़ाई देखी से? सर देखी तो नहीं है, लेकिन सुनी बड़ी खतरनाक होती। आज कुछ उससे भी खतरनाक होने वाला से। बस समझ ले चौधरी कि आज कहानी का क्लाइमैक्स होने वाला है, और इस क्लाइमैक्स में एक कमी से। क्या सर? मीरा मैडम जी।
पृथ्वी के लिए तुम्हारे मन में ये प्यार और विश्वास देखकर सच कहूं तो मेरा भी मन तुम्हारी हर बात मानने को करता है। बेटा मुझे मुझे गर्व है तुम पर। रुकिए भाई, जाने से पहले मीरा को वो सच तो बता दीजिए जो उसे भी पता होना चाहिए। क्या बात है पापा? अब मीरा, बात यह है कि कोमल, कोमल प्लीज, तुम कुछ देर के लिए अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती? मीरा बेटा, बात कुछ भी नहीं है, वो दरअसल आजकल तुम बहुत परेशान रहती हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट था, और कुछ भी नहीं। नहीं, कोई और बात जरूर है, बताइए ना। नहीं बेटा, और कोई बात नहीं है। तो तुम जाके आराम करो ना, तुम खुद को क्यों उतना दुख देती हो, जाओ अपने कमरे में। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब का जवाब दे इनके सवाल का? क्यों ना अर्जुन जी से हम आज अपने दिल की बात कह दे। सच कहे हमें आपसे से ये उम्मीद नहीं थी। हमें नहीं पता था कि आप इस तरह का इल्जाम हम पर लगाएंगे। भला हम खुद अपने पैर में एक कांच का टुकड़ा क्यों घुसाएंगे? भला अपने आप को हम चोट क्यों पहुंचाएंगे? आपने ऐसा सोचा भी कैसे भला? ईश्वर जी होते ना तो वो हमको इस हालत में ऐसे नहीं छोड़ते, हमारा ध्यान रखते और वो हमें हमेशा अपनी बाहों में लेके घूमते। ऐसा सलूक ना करते वो हमारे साथ। अब यही रुकिए, और जब तक हम वापस ना आए यहां से ले आने। अर्जुन जी रुकिए,